यहाँ पे जो है हर हर किसी को जो है अपने धर्म पे चलने का अधिकार है, और सियासत एक अलग चीज है और धर्म एक अलग चीज है, तो दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। मैं तबरेज़ अंसारी के ऊपर आऊंगा। तबरेज़ अंसारी जब इंजर्ड हो गए थे, तभी उनको पुलिस प्रशासन ने लेके गई, एज ए चोर बना के लेके गए, ऐसे कॉलर पकड़ के लेके गए। टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, उसमें क्या बोला? और डॉक्टर जो डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया, उसमें क्या बोला? देखिए वो चोर है या नहीं है वो तो शक की बुनियाद पे लेके नहीं किया पुलिस ने इंक्वायरी। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो चोर है या नहीं है ये तो हमको मालूम नहीं है, ये जानना पुलिस का काम है। पुलिस को चाहिए कि उस पर तहकीकात करें, ना कि इस तरह उसको पीट पीट कर मार दिया जाए। अगर चोर होगा भी, अगर उसने चोरी की भी होगी, तो कानून के हवाले करना चाहिए था उसको, कानून उसके ऊपर बेहतरीन जो है वो एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन ये जो है ना, मतलब जुल्म बहुत ज्यादा हो गया उसको, क्योंकि ये एक्चुअली जो है ना, ये एक्चुअली जो इसमें कैसा है कि ये साजिश है, ये बहुत बड़ी साजिश है, जहाँ पे मुसलमानों को डराने की और दलितों को डराने की कोशिश की जा रही है। और इतिहास अगर हम उठा के देख लेंगे, मुसलमान को डराना इतना आसान नहीं है, मुसलमान डरने वाले नहीं है। ये मतलब आप लोग जो है, मतलब ये किसी गरीब को और मतलब किसी ऐसे इंसान को, मैंने अभी देखा वीडियो में कि एक अंधा बूढ़ा और बूढ़ी को पकड़ के बोलो जय श्री राम, उनके जय श्री राम बोलने से तुम्हारा क्या मतलब इस देश में फायदा हो जाएगा? हालांकि देश की हुकूमत ने हमसे ये कहा था कि सबका साथ, देश की सरकार ने हुकूमत ने हमसे ये कहा था कि सबका साथ और सबका विकास होगा, लेकिन ये चीज़ें नहीं मिल रही है किसी का। एक तो ये तासुब होता है कि धर्म के नाम पे जो है तरह तरह के मुसलमानों को तकलीफ और तकलीफ किया जा रहा है। अगर ये मुसलमान में जिस तरह से आप लोग हरकत कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग हरकत कर रहे हैं कि एक एक मासूम मासूम बच्चों को, नौजवानों को पकड़ करके उसके साथ जबरदस्ती की जाती है, अगर हम वही चीज़ हम अपने नौजवानों को कहेंगे कि हमारे नौजवान खड़े होकर के ये चीज़ किया जाए, तो फिर क्या होगा इस मुल्क का? इस मुल्क के अंदर खून खराब होगा, खून होगा और खून की नदियां बहेगी। हम नहीं चाहते, क्योंकि ये हमारा मुल्क जो है अमन वाला है, शांति वाला, सुकून वाला है। ये गंगी जमुना की तहसीब है ये हिंदुस्तान। ये हम फख्र से कहते हैं, जितना आपने इस देश को बसाने के लिए खून दिया है, उतना खून हमने भी इस देश को बचाने के लिए, इस देश को हमने जो है अंग्रेजों से आजाद करने के लिए खून दिया। मोदी साहब कभी ट्विटर पे नहीं आते हैं, कभी ऐसे मसले पे बात नहीं करते हैं। अगर ट्रंप का बर्थडे होता है, उसका जन्मदिन होता है, तो ट्वीट कर देते हैं, ऐसे मुद्दे पे बात नहीं करते। हुकूमत से ये कहेंगे कि आपने जो तशद क्या कहते हैं, जो इस तरह गुंडा राज तशद्द हो रहा है और इस तरह से जो मामले लिंचिंग की जा रही है, आप सिर्फ जबानी मुसम्मत कर रहे हैं। जबानी मुसम्मत करने से कुछ नहीं होगा, आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। जबानी मुसम्मत तो कोई किसी के लिए भी कर सकता है, हम किसी के लिए भी कर सकते हैं। मुसलमान वैसे हैं जो, हालांकि हमारा हिंदू भाई जो भी मुसलमान के साथ में रहता है, उन्हें पता चलता है कि मुसलमान किस तरीके का है। एक मददगार है मुसलमान, हर किसी की मदद करने वाला है। आज मैं मेरी बात को मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, बहुत से लोगों ने ज़्यादा अपनी अपनी राय रखा हुआ है, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ SDPI का कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद, 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 पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद।